हाँ चलिए शाह जी, चलो जी आओ। शाह जी आप यहाँ से बावलपुर कितना दूर है? 15-20 मिनट का सफर। तो लोधरा पहुंच गए? लोधरा पहुंचने में बाकी 20 ही किलोमीटर। अच्छा, तो इधर हलो हलो जीप पर चलाई है हमने, तेज चला अपना। इस वास्ते चलाई है ना लाला बल, मैं जरा एनर्जी सेविंग कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ तू सब तो हिरण चोलिस्तान है, तू हिरण मार रहा है। नहीं एक गल नहीं, तू सब चलो बारा छिको यार छिको। हम जी खानेवाल से E5 से होते हुए भावलपुर पहुंच गए हैं, और ये शाह जी को जो है ना, ये बाबा चावल वाला चिक्का वाला चौक ये शाह जी ने बड़ा पसंद है। इसके बाद जो आगे वाला सफर है फिर वो जारी रखेंगे, मजीद बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये हिडन रखा हुआ है हमने, शाह जी इंतजार कर रहे हैं, चावलों का इंतजार कर रहे हैं। शाह जी कितनी प्लेटा खावनी है? दो। खुदा तेरा ओ जेड़ा यूरिक एसिड पहले बता है? नो प्रॉब्लम। अच्छा, तेरे गंडू नहीं कर दिया भैया? दो खा ले से। हां चलो जी, दो लाए हो जी। सलाद नहीं चाहिए, सलाद खा लो और दही ला देना हमें। अच्छा, हाँ बस। पहले नवीद भाई ने दियो ना जी, वही करना होगा। सराइकी चौक पहुंच गए जी हम, फेमस सराइकी चौक ऑफ भावलपुर। हम इस वक्त भावलपुर सराइकी चौक में पहुंच गए, और ये भी जो है हाजी पान वाला, वेरी फेमस पान शॉप, जहाँ पे स्कूल के जमाने में हमने जो पान है वो रगड़े हैं जी। और इस चौक से और इस दुकान से जो है वो हमें बड़ी यादें वाबस्त हैं। हमारे जो होस्ट हैं गल्लू साहब, वो भी पहुंच गए हैं, और इसके बाद हम आगे है वो रोई का सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। और आज का जो हमारा ट्रिप है वो रोई में दो रातें गुजारने का है, टू नाइट कैंपिंग है। इस एडवेंचर में आपको मजा आ रहा है।
भावलपुर से अभी अब खानगाह शरीफ पहुंचे थे और वहां से जो अहमदपुर शर्किया को रोड जाता है मेन हाईवे शाहजी जी, वहां से हम खानगाह शरीफ से 13,000 रोड लेफ्ट साइड पे अंदर मुड़ गए, 13,000 रोड पे, और यहां से अब हम चंदन पीर जा रहे हैं जी, और वहां टोबा कौन सा है जी, सोअब टोबा जा रहे हैं। मैं पहले भी चोलिस्तान आया हूँ अपने बाइक पे, लेकिन वो इतना मैंने टोबों को एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन इस दफा ईशा जी की मेहरबानी है और हमारे जो क्लास फेलो हैं सरदार नदीम गल्लू साहब, उन्होंने हमें स्पेशली तौर पे इनवाइट किया है और वो हमारे आगे आगे जा रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे हैं। इंशाल्लाह 20-30 किलोमीटर के बाद, बल्कि 40 किलोमीटर के बाद हम जो है ना वो टोबा सुबह वाला पहुंच जाएंगे जी। सोहब पहुंच जाएंगे, पता नहीं जी जो भी नाम है जी। और वहां पे फिर हम कैंपिंग करेंगे अपनी, मजीद भी जो आगे एडवेंचर होता जाएगा आपको हम दिखाते जाएंगे। हम जी अब यजमान रोड पे पहुंच गए हैं और ये 13,000 अड्डा, ये सीधी आगे यजमान मंडी जाती है और अगर इसके अगेंस्ट चले जाएं तो आप हेड राजकां और अहमदपुर आप चले जाते हैं। अभी तक हमारा जो सफर है वो बड़ा बेहतरीन गुजरा है, शाह जी बड़ी बेहतरीन ड्राइविंग कर रहे हैं जी। गल्लू साहब अपनी जो है ना वो जीप और ट्राली जो है खींची जा रहे हैं जी। अच्छा जी, वह ऑफ रोडिंग कर रहे हैं जनाब, दब छेक छेक छेक। टोबे के नजदीक पहुंच गए हैं जी हम, जहां पे हमने कैंपिंग करनी है। वेरी ब्यूटीफुल, रोई रो रोई थल दमा। पहली दफा देखता, एक मैं एक दफा पहले नहीं, दूसरा पहली दफा देखता।
सोहब टोबा। अच्छा इस बार हम जो है ना वो सोहब टोबा पहुंच गए हैं, हमने अपना कैंप वैम्प लगा लिया है जी। और मेरे मोबाइल पे आई बहुत जालिम आदमी है। अच्छा मेरी तल्लू सामान तो ठीक हो। अच्छा जी वीडियो सारी खराब थी वैसे। तू वो एडिट कर रहे हो ना यार, ये वाइब्रेशन ओ ये वाइब्रेशन रुकेंदा है ये रेत या रेत शाहजी कुछ नहीं आती। अच्छा ये इनका रुपा खत्म, ये केड़ी मिट्टी है, इदी मशीनरी दी जेड़ी विच बढ़ गया वल। तू यार तू बड़े जालिम आदमी चमिया। हम सोहब टोबा पहुंच गए जी रोई में, और हमने अपना कैंप जो है ना वो लगा दिया। शाह साहब ने कैंप अपना जो लगाया ना जी मेरे लिए भी लगाया है, बगैर बिस्तरों के। बगैर बिस्तरों के पता नहीं मुझे बिस्तर देते हैं या नहीं देते जी। तो तकरीबन असर का टाइम हो गया हम, और आज की जो व्लॉग थी वो बस यहाँ तक पहुँचने की थी। कल इंशाल्लाह मजीद या रात को जो भी इवेंट्स होंगे हम फिर उसको भी एडिट करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सारा फोटो चेक कर।